चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू होने जा रही है। यात्रा की तैयारियों को लेकर पूर्व बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति समेत सभी विभाग जुट गए हैं। आपको बता दें कि बीकेटीसी भी अपने स्तर से सभी व्यवस्थाओं में अग्रसर है। बीकेटीसी के अध्यक्ष राजेंद्र अजय ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार श्रद्धालुओं के लिए यात्रा सुगम बनाने की व्यवस्था की जा रही है। अब तक 13 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चारधाम के ऑफिशियल वेबसाइट में पंजीकरण कर लिया है। मात्र 7 दिन में दोनों धाम के लिए 6,981 श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन पूजा बुकिंग की है, जिससे बीकेटीसी को 1.5 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी के नारे लोकल फॉर वोकल के प्रयासों को बीकेटीसी भी अपना रहा है। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह की मदद से लोकल उत्पादों से केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के लिए प्रसाद बनाया जा रहा है। देखिए, आप जानते हैं कि विगत 2 वर्षों में चार धाम यात्रा ने निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और इस वर्ष भी जैसा हमें पूर्व में अनुमान था, जैसी सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, उसी अनुरूप बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने, तीर्थयात्रियों ने जो पर्यटन विभाग द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण किया जा रहा है उसमें पंजीकरण किया है और 1 सप्ताह के भीतर लगभग 13 लाख के आसपास श्रद्धालुओं ने उसमें पंजीकरण किया है। तो इन सारी बातों को दृष्टिगत रखते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति और प्रदेश सरकार के स्तर से भी निरंतर अपनी यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर के तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से भी कुछ समय पूर्व में शासन स्तर पर जो विभिन्न यात्रा व्यवस्था से जुड़े हुए विभिन्न विभाग हैं, एजेंसियाँ हैं, उनके उच्च अधिकारियों के साथ में बैठक आयोजित की गई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विभागवार सभी विभागों की विस्तृत जो कार्य योजना थी उसकी समीक्षा की गई और जहां पर आवश्यकता पड़ी उनके स्तर से संशोधन की, सुधार की, उसके लिए उनको निर्देशित भी किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया है कि जो भी पर्यटक और श्रद्धालु हमारे प्रदेश में आता है वो हमारा अतिथि है और उसके प्रति जो भी विभाग हैं, एजेंसियाँ, उनकी अतिथि देवो भाव की भावना होनी चाहिए। तो इस अनुरूप सभी एजेंसियाँ कार्य कर रही हैं और हमें उम्मीद है कि इस वर्ष भी हमारी जो चारधाम यात्रा है वो सुखद और सुगम होगी और सभी यात्रियों की यात्रा मंगलमय होगी।